अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। दोस्तान मोहतरम, मैं आपका भाई मोनिस अख्तर फैज़ी। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, कल हमने आपको ख़बर दी थी, अफसोसनाक ख़बर ये थी कि हुजूर सकलाइन मियाँ साहब क़िबला का बरेली शरीफ में इंतकाल हो गया। अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि हज़रत की नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और बरेली शरीफ जाने के लिए भी बेकरार हैं। अगर उनको सही से पता चल जाए तो वो ठीक समय से पहले पहुंचकर नमाज जनाजा में शिरकत कर लें। तो मैं आपको बता दूं, हज़रत की नमाज जनाजा कब होगी। हज़रत की नमाज जनाजा कल यानी इतबार 22 अक्टूबर को अदा की जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व ताला बरेली शरीफ में। तो तमाम हजरात वक्त से पहले पहुंच जाएं और वहां पर इकट्ठा हो जाएं। बरेली शरीफ में शाह शराफत दरगाह पर पहुंचेंगे तो जिस जगह पर फिर बरेली शरीफ में जिस जगह होगी वो भी आपको जगह वहीं पता चल जाएगी। फ़िलहाल अभी जो ऐलान हुआ है वो यही हुआ है कि कल 22 अक्टूबर बरोज़ इतबार को पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शाह सकलैन मियाँ साहब क़िबला की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इसलिए मैंने सोचा आप तमाम हजरात को बता दूं ताकि वक्त से आप पहुंच जाएं। इस वक्त वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है, जिस वजह से वहां के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनका ऐलान ये है कि आप लोग आराम से आएं, आहिस्ता आएं और जहां जगह मिले वहीं खड़े हो जाएं, ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं। इंशाल्लाह तबारक व ताला सब हजरत का आखिरी दीदार कर लेंगे, ये ऐलान वहां से किया गया है। तो आप तमाम हजरत कल बरोज़ इतबार 10 बजे से पहले पहले बरेली शरीफ पहुँच जाएँ, इंशाल्लाह ताला नमाज जनाजा में शिरकत करें और सवाब दारैन हासिल करें। इस वीडियो को जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि जो लोग परेशान हैं उन सबको इसके बारे में सही और सही जानकारी मिल जाए। तो जितने भी आपके पास व्हाट्सएप में ग्रुप हैं सब में इसको शेयर कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए और हज़रत के लिए दुआएं मगफ़िरत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत की मगफ़िरत फरमाए, हज़रत को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।